तो गाइस ये है एचपी का स्मार्ट टैंक 580 वायरलेस ऑल इन वन प्रिंटर। ये प्रिंटर दोस्तों एचपी ने इस तरह से डिजाइन किया है कि आप इसको अपने घर के लिए भी यूज कर सकते हो, स्मॉल बिजनेसेस के लिए भी यूज कर सकते हो, और ये स्टूडेंट के लिए भी काफी अच्छा डिवाइस है। इस प्रिंटर की सबसे बढ़िया बात दोस्तों मुझे ये लगी कि ये बहुत ही इजी टू यूज है। आपको इसमें वाईफाई का ऑप्शन मिल जाता है जिससे आप अपने मोबाइल फोन के थ्रू भी प्रिंटिंग कर सकते हैं, आप अपने एप्पल डिवाइसेस से भी इससे प्रिंटिंग कर सकते हैं, और आप अपने लैपटॉप कंप्यूटर से भी इजिली प्रिंटिंग इस प्रिंटर के थ्रू कर सकते हैं। सेकेंड चीज दोस्तों, इसके अंदर आपको इंक टैंक मिल जाता है जिसको रिफिल करना काफी इजी होता है। आप सिंपली इसकी इंक्स को ऑनलाइन परचेज कीजिए और आप खुद से इसके इंक टैंक को रिफिल कर सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव एक चीज हो जाती है। थर्ड चीज दोस्तों, इसके अंदर आपको रिमूवेबल प्रिंट हेड मिल जाते हैं। सो दो तीन साल एक प्रिंटर को यूज करने के बाद उसका जब प्रिंट हेड खराब हो जाता है तो उसको रिप्लेसमेंट की कॉस्ट काफी ज्यादा आती है। सो इस प्रिंटर के अंदर दोस्तों वो भी काफी कम होने वाली है आपके लिए, क्योंकि आप सिंपली इसके प्रिंट हेड्स को ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं और खुद से ही उनको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम बॉक्स को ओपन करते हैं और चेक करते हैं इसमें आपको क्या क्या कंटेंट मिलने वाले हैं। बॉक्स में ऊपर की तरफ आपको एसेसरी बॉक्स देखने को मिलेगा, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। इसमें आपको एक कलर और एक ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट हेड मिल जाएगा, दो ब्लैक कलर की इंक बॉटल्स मिल जाएंगी 135 ml ईच, एक येलो और सियान कलर की 50 ml की बोटल्स मिल जाएंगी, एक आपको मैग्नेटा कलर की 50 ml की बोटल मिल जाएगी, और ये पावर कोड आपको देखने को मिलेगी, और साथ ही आपको ये USB केबल देखने को मिल जाएगी। इस तरह से बाहर खींचने पे आपका प्रिंटर बॉक्स से बाहर आ जाएगा। अब हम इसकी सारी ये पैकेजिंग मटेरियल हटा लेते हैं। इसके ऊपर ये जो टेपिंग लगी हुई है, अब हम इस टेपिंग को भी हटा लेते हैं। इसको ओपन करने पे इसके अंदर भी कार्डबोर्ड बॉक्स लगा है, तो इसको भी ध्यान से आप निकाल लीजिएगा। अब हम प्रिंटर को ओपन कर लेते हैं और इसके अंदर हम इंक फिल करेंगे। तो ये आपको सेटअप एंड रेफरेंस गाइड आपको देखने को मिल जाएगी इस प्रिंटर में, इसको आप फॉलो करके इसकी इंक फिल कर सकते हो और इसका सेटअप कर सकते हो। तो सेटअप करने के लिए सबसे पहले आप प्रिंटर को ऑन कर लीजिए। प्रिंटर ऑन हो जाने के बाद दोस्तों हम इसमें अब इंक फिल करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्लैक इंक इसमें डालेंगे। तो सबसे पहले हम ब्लैक कलर का ये ढक्कन ओपन कर लेंगे और इसके बाद इंक को ओपन कर लेंगे। और ये ऐसी बोतल होती है, इसमें से इंक बाहर नहीं निकलती अगर आप इसको उल्टा भी कर देंगे तो। इसको आपको इस तरह से इस पे लगाना है और एक ठक की आवाज आएगी, उसके बाद ये इंक इसमें आना शुरू हो जाएगी और ये नीचे से बॉक्स आप देख सकते हैं फिल होना शुरू हो गया है। इसी तरह से हम दूसरी बॉटल्स को भी ओपन करके इसमें लगा देंगे और ये नीचे से टैंक फिल हो जाएगा। इसी तरह से हम येलो कलर की बॉटल्स को भी इसमें लगा के और इस टैंक को फिल कर देंगे। एक बार टैंक फिल हो जाने के बाद अब हम इसमें प्रिंटर हेड इंस्टॉल करेंगे। तो ये प्रिंटर हेड है दोनों मेरे, कलर और ब्लैक एंड व्हाइट। तो हम पहले ब्लैक वाला इंस्टॉल करेंगे। इसके लिए ये जो टेप है इसको बिल्कुल आराम से आप इसमें से निकाल लीजिए। इसके बाद ये जो ऊपर की तरफ ब्लू कलर का बॉक्स है इसको आप नीचे प्रेस करेंगे तो इस तरह से ये ऑरेंज कलर का प्लास्टिक का पार्ट इस प्रिंटर हेड एरिया से बाहर निकल आएगा। इसके बाद आप प्रिंटर हेड के ऊपर से ये प्लास्टिक निकाल लीजिए और ये ऑरेंज कलर का जो प्लास्टिक है इसको निकाल लीजिए और यही सी पार्ट को आप ऊपर की तरफ रख के इसमें फिक्स कर दीजिए और एक ठक की आवाज आएगी, उसके बाद ये इसमें फिक्स हो जाएगा। इसी तरह से हम कलर प्रिंट हेड के ऊपर से भी ये प्लास्टिक की टेप निकाल लेंगे और ये पोर्शन इसका ऊपर की तरफ करके इसके अंदर फिक्स कर देंगे। एक बार ये दोनों प्रिंट हेड इंस्टॉल होने के बाद ये ब्लू प्लास्टिक को नीचे की तरफ कर दीजिए और अपने प्रिंटर को बंद कर लीजिए। प्रिंटर में ऊपर की तरफ ये इसका स्कैन एरिया देखने को आपको मिल जाएगा और ये लिड जो है दोस्तों वो काफी पतली है, काफी ज्यादा स्लिम ये लिड है। इसके लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी जिसमें आप सारे इसके नोटिफिकेशंस देख पाएंगे और नीचे की तरफ यहाँ पे आपको सारे स्मार्ट बटन इसके देखने को मिल जाएंगे और साथ ही ये आपको पावर ऑन ऑफ का बटन यहाँ पे मिल जाता है। इसमें आपको 100 शीट की इनपुट ट्रे और 30 शीट्स की आउटपुट ट्रे मिल जाती है। इंक लेवल्स दोस्तों आप सामने की तरफ इस प्रिंटर में यहाँ पे चेक कर सकते हैं, कौन से कलर की इंक को आपको रिफिल करना है आप यहां से इजीली वो देख पाएंगे। प्रिंटर के बैक साइड में यहां पे USB का पोर्ट आपको मिल जाएगा और नीचे की तरफ यहां पे आपको
पावर सोर्स इनपुट का ये पोर्ट देखने को मिल जाएगा। इस प्रिंटर के अंदर आपको प्रिंट, स्कैन और कॉपी तीनों ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, और उसके बावजूद भी ये जो प्रिंटर है काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट और स्लिम देखने में लगता है। ये प्रिंटर दोस्तों 12 पेपर पर मिनट ब्लैक और 5 पेपर पर मिनट कलर प्रिंट करता है। ये प्रिंटर दोस्तों काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होने वाला है, क्योंकि इस प्रिंटर से आप 12,000 ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट ले सकते हैं या फिर 6,000 कलर प्रिंट आउट ले सकते हैं एक बार रिफिल से। प्रिंटर को मोबाइल फोन से यूज करने के लिए आप HP स्मार्ट की ये ऐप अपने गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए और उसके बाद इसको ओपन कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे ऐड प्रिंटर के ऑप्शन से जाके आप यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके जो भी ऑन स्क्रीन आपको इंस्ट्रक्शंस दिख रही हैं वो आप फॉलो करके अपने HP प्रिंटर को इस ऐप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और एक बार कनेक्ट हो जाने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आप अपने मोबाइल फोन के कैमरा से कुछ स्कैन करके ही इससे प्रिंट करा सकते हैं, फोटोज प्रिंट करा सकते हैं, डॉक्यूमेंट प्रिंट करा सकते हैं। तो सारी चीजें आप अपने मोबाइल फोन के थ्रू ही इस प्रिंटर की कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप प्रिंटेबल्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले बहुत सारे फॉर्मेट्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अगर हमें ये यहाँ पे प्रिंट आउट निकालना है तो आप सिंपली इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे प्रीव्यू एंड प्रिंट पे क्लिक कीजिए, और ये आप देख सकते हैं सिंपली यहाँ पे प्रिंट पे मुझे क्लिक करना है और मेरा प्रिंटर इसका प्रिंट आउट निकाल के दे देगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, प्रिंट की जो क्वालिटी है वो काफी बढ़िया आपको मिलने वाली है, जो कलर्स हैं वो भी काफी बढ़िया हैं। ये प्रिंटर दोस्तों मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए परचेज किया है, HP का स्मार्ट टैंक 580 ऑल इन वन प्रिंटर। दोस्तों मुझे काफी बढ़िया लगा, इसके अंदर जो फीचर्स हैं, इसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं और इतना कॉम्पैक्ट इसका साइज है, तो ये काफी बढ़िया मुझे प्रिंटर लगा। तो अगर आप भी एक प्रिंटर परचेज करने का सोच रहे हैं तो इस प्रिंटर को डेफिनेटली कंसिडर कीजिए, और ये काफी बढ़िया एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट आपके लिए होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आई होप ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर आप ऐसी और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।